आज का युग विज्ञान का युग है। इस युग में कंप्यूटर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। इस लिहाज से आज के युग को अगर हम कंप्यूटर का युग कहें तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। शिक्षा से लेकर मनोरंजन और यातायात से लेकर स्वास्थ्य तक लगभग हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है। बावजूद इसके इससे जुड़े कई सारे ऐसे पहलू भी हैं जिनसे हम बेखबर हैं। क्या है वो पहलू, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। चार्ल्स बेबेज ने की शुरुआत। बात 18वीं सदी की है। पूरी दुनिया तकनीक के नाम से बिल्कुल अनजान थी। इंसान अपनी आंखों से जो देखता था बस उसी पर विश्वास करता था। तकनीक से दूर दूर तक दुनिया के लोगों का कोई लेना देना नहीं था। इसी बीच लंदन में पैदा हुए चार्ल्स बेबेज ने लोगों की इस सोच को बदलने का काम किया। चार्ल्स बेबेज को बचपन से ही गणित में रुचि थी। इस रुचि के कारण ही उन्होंने आगे चलकर कंप्यूटर का आविष्कार किया। चार्ल्स ने 14 जून 1822 में कंप्यूटर बनाने का दावा किया था। हालांकि बहुत से इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। माना जाता है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर मशीन बनाने में कामयाब रहे, लेकिन उस मशीन को पूरी तरह से नहीं बना पाए। शुरुआत में उन्होंने एक बेहद बड़े आकार की मशीन का आविष्कार किया था। चूंकि चार्ल्स गणित के छात्र थे तो उनका इस मशीन को बनाने का मकसद नंबरों की गणना करना था, जिसके तहत उन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया। उस वक्त चार्ल्स ने इस मशीन को डिफरेंस इंजन का नाम दिया था। हालांकि यह मशीन सिर्फ गणना कर सकती थी, ये नहीं बता सकती थी कि गणना ठीक है या नहीं, जो सिर्फ एक कंप्यूटर बता सकता है। इसीलिए कई विशेषज्ञों का कंप्यूटर के आविष्कार को लेकर अलग अलग मत है। खैर, चार्ल्स अपने इस आविष्कार से कंप्यूटर तकनीक की नींव तो रख ही चुके थे। कॉनराड ज्यूस ने बढ़ाई कहानी। 18वीं शताब्दी के दौरान चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर के आविष्कार के बाद लोगों में इस तकनीक को जानने और उसको समझने की दिलचस्पी जगी। समय के साथ कई चीज़ों में बदलाव आ रहा था, लेकिन फिर भी दुनिया के लोगों को अभी कंप्यूटर जैसी कोई मशीन बनने का कोई अनुमान नहीं था। हालांकि विभिन्न देशों के वैज्ञानिक नई नई मशीनों को खोजने में लगे हुए थे। तकनीक के युग में दूसरा सबसे बड़ा दिन तब आया जब जर्मनी के वैज्ञानिक कॉनराड ज्यूस ने प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। यह 1936 और 1938 के बीच का दौर था। कॉनराड ज्यूस का आविष्कार इसलिए भी काफ़ी अहम था क्योंकि उन्होंने पहले प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज की मशीन काफ़ी हद तक इंसानी दिमाग पर निर्भर करती थी, लेकिन कॉनराड का कंप्यूटर खुद प्रोग्रामिंग से चलता था। कॉनराड ने इस कंप्यूटर का नाम Z1 दिया। डिजिटल कंप्यूटर ने बदली तस्वीर। कॉनराड ज्यूस के आविष्कार के बाद यूरोपियन देशों में नई क्रांति का संचार हो गया था। समय के साथ कंप्यूटर की मांग बढ़ती जा रही थी। कंप्यूटर के आविष्कार ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया। यह हजारों लोगों के काम को खुद अकेला ही कर सकता था। जिन कामों को करने में बहुत ज्यादा समय लगा करता था वो काम अब चुटकियों में ही हो जाया करते थे। कंप्यूटर लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब बहुत ही कम समय में कर दिया करता था। इससे लोग कंप्यूटर की तरफ आकर्षित होने लगे। हालांकि उस समय लोगों ने यही सोच लिया था कि कॉनराड ज्यूस ने जिस प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का आविष्कार किया है वही दुनिया में आखिरी आधुनिक आविष्कार है। शायद ही लोगों का अंदाजा था कि आने वाले चंद दिनों में उन्हें इस आविष्कार से बेहतर कोई और आविष्कार भी देखने को मिलेगा। खैर, समय तेजी से गुजरता गया और तकनीक की दुनिया में दिन प्रतिदिन नए बदलाव आते रहे। हर नया बदलाव इंसान को चौंका देता है और उसको सोचने पर मजबूर कर देता है कि विज्ञान बहुत तेजी से दुनिया में छा रहा है। जे प्रेस पर एकर्ट ने दिया डिजिटल कंप्यूटर। कॉनराड ज्यूस के आविष्कार के चंद सालों बाद लोग तकनीक की दुनिया में एक नए आविष्कार के गवाह बने जब जे प्रेस पर एकर्ट ने दुनिया को पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दिया। ये कंप्यूटर पूरी तरह से डिजिटल था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कंप्यूटर के बाद से ही हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल रूप में आने लगा। सालों से उपयोग की जा रही सुई वाली घड़ी की जगह डिजिटल घड़ी ने ले ली। ये सब चीज़ें जे प्रेस पर एकर्ट के डिजिटल कंप्यूटर खोजने के बाद वजूद में आई थी। एकर्ट ने डिजिटल कंप्यूटर की खोज साल 1946 में की थी। जे प्रेस पर एकर्ट ने डिजिटल कंप्यूटर की खोज अपने प्रोफेसर जॉन मॉकली के साथ मिलकर की थी। जॉन मॉकली ही एकर्ट को विज्ञान पढ़ाया करते थे। दोनों ने डिजिटल कंप्यूटर की खोज के बाद इसको पेटेंट कराया और सरकार से डिजिटल कंप्यूटर बनाने का अनुबंध तय कर लिया। इसके तहत दोनों ने एक साथ मिलकर डिजिटल कंप्यूटर बनाना शुरू किया। दोनों ने इसे ENISC नाम दिया, जिसका मतलब था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ने दुनिया में तहलका मचा दिया। इस तरह एकर्ट और मॉकली के आविष्कार के बाद कंप्यूटर को एक नई पहचान मिली। आगे चलकर डिजिटल कंप्यूटर की उपयोगिता को देखते हुए US आर्मी ने संख्याओं की गणना के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ECC बनी पहली कंप्यूटर कंपनी। दुनिया के लोगों ने जिस मशीन के बारे में कभी नहीं सोचा था वो मशीन एकर्ट और मॉकली ने कुछ सालों की मेहनत के बाद बनाकर तैयार कर दी थी। संयुक्त रूप से बनाया गया कंप्यूटर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी इसको बनाने की। इसमें सबसे मुश्किल काम यह था कि पूरा फार्मूला किसी कंपनी को दिया जाए और फिर उस फार्मूले के तहत कई कंप्यूटर तैयार किए जाए। दोनों ने ऐसा करना उचित नहीं समझा, इसलिए दोनों ने संयुक्त रूप से अपनी ही कंप्यूटर कंपनी खोलने का मन बना लिया। दोनों ने डिजिटल कंप्यूटर बनाने की कंपनी खोली और खुद ही कंप्यूटर तैयार करना शुरू कर दिया। इस कंपनी को नाम दिया गया ECC। ECC यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। यह दुनिया की पहली कंप्यूटर कंपनी थी। हालांकि दोनों ने बाद में कंपनी का नाम बदलकर अपने नाम पर रख लिया।
कंपनी खोलने के बाद दुनिया में कंप्यूटर जगत में क्रांति आ गई। ये दौर था साल 1950 का, जब दुनिया में लोग कंप्यूटर के नाम से परिचित हो रहे थे। समय के साथ एकर कंप्यूटर को और विकसित करने के लिए नए नए आविष्कार करते रहे। डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कार के बाद उन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में 85 आविष्कार किए, जिनको उन्होंने अपने नाम से पेटेंट कराया। विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 1968 में उन्हें नेशनल अवार्ड ऑफ साइंस के सम्मान से नवाजा गया। समय के साथ कंप्यूटर की डिमांड भी बढ़ी है, आज ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। बहरहाल, जिस तेज गति से कंप्यूटरीकरण हो रहा है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्द शायद ही कोई घर होगा जहाँ कंप्यूटर ना हो। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव